अगर आपसे पूछा जाए तुंद्र तो वहां स्नो मत लिख दीजिएगा क्योंकि ऐसा परसेप्शन है कि तुंद्रा रीजन जो है वो पोलर आइस कैप में पाया जाता है तो उसका मतलब भी होगा आइस कैप और समथिंग लाइक दैट तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया मीनिंग ऑफ द वर्ट तंद्रा इट मीनस अ बैरन लैंड बंजर जगह बिल्कुल और वो होती परमाफोस्ट की वजह से क्योंकि वहां पर बिल्कुल बर्फबारी होती रहती है तो सॉइल के ऊपर जब बर्फ का लेयर जमा होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां वेजिटेशन कैसे होगा तो बैरन हो जाएगी वो तो बैरन लैंड इसका मतलब होता है दे आर फाउंड इन द दो रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेर द एनवायरमेंटल कंडीशन आर एक्सट्रीमली वेरी सीवियर देर आर टू टाइप्स ऑफ तुंद्रा वनीटिक एंड अदर सेग्रीगेट कर देते को और अल्पाइन में. आप एक बड़ी बात है अगर मैं आपसे कह दूं कि जो एक्सट्रीम अर्थ है आपकी जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है इसके दो पोल्स हैं आपका ये नॉर्थ है या साउथ है तो यहाँ पे क्या दोनों जगहों पे लैंड मास है या दोनों जगह पे वाटर बॉडी है या अलग अलग है तो एक चीज ध्यान रखिएगा जो नीचे का हिस्सा है यहां पे ये तो एक लैंडमार्क है जिसके ऊपर परमानेंट खाली जैसे आप कोई भी वर्ल्ड मैप देखते हैं तो आपको सामने का ही एरिया देखने को मिलता है पोलर रीजन बिकॉज ऑफ द टू डायमेंशनल मैप होता है तो आपको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लोब देखेंगे आपने कभी ग्लोब देखा होगा या आपके घर पे रखा होगा उसको एक बार देखिएगा तो जो एक्सट्रीम पोलर रीजन होता है नीचे का यहाँ तो आपको लैंडमार्क दिखाई देगा जो व्हाइट कलर का बना होता है मतलब बेसिकली वो आइस कैप की तरह है। तो ये तो एंटार्टिका है यानी कि एंटार्टिका इज अ कॉन्टिनेंट ये याद रखिएगा प्री में पूछा जा चुका कि जो दोनों चुका है पोलर बॉडी है या एक है एक वाटर बॉडी है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो साउथ पोल का रीजन है इट कम्प्राइजेस ऑफ अ कॉन्टिनेंटल लैंडमास जो कि स्नो से कवर्ड है और उसको आप एंटार्टिका कहते हैं ठीक है ये लैंडमार्क है ध्यान रखना तो एंटार्क्टिका विल बी क्लब्ड और विल बी टेकन अंडर अ कॉन्टिनेंट आपको पता है ये सात कॉन्टिनेंट होते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया यूरोप हो गया आपका फिर आपका एशिया हो गया योर अफ्रीका इज देयर देन और ओशिया इज देयर एंड देन फॉर एंटार्टिका तो सात हो गए टोटल उसी तरह से जो नॉर्थ पोल का रीजन है इट इज एंटायरली अ वाटर बॉडी और इसको आप कहते हैं आर्कटिक ओशन आई सी, और ओशन, यानि नहीं है ऊपर। तो आप कहेंगे, फिर हमने हमने ये क्यों कहा कि रीजन को हमने आर्क, और में सेग्रीगेट किया है तो का ये वाला रीजन है लैंडमार्क का लेकिन आर्कटिक रीजन क्योंकि आर्कटिक ओशन है बेसिकली वो वाटर बॉडी है वहां पे पोल पे लेकिन जो इस रीजन में कुछ कुछ लैंडमार्क आ जाता है जैसे आप मैप एक बार देखो यहां पर आपको कनाडा मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में जो ऊपर का हिस्सा है आपको पता है नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें तीन कंट्रीज पाई जाती हैं बिल्कुल टॉप पे आपको कनाडा मिलेगा जिसके आपको वेस्ट साइड में या अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रीजन है जो अलास्का लिखा होता है और दैट अलास्का इज बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ कनाडा बट ऑफ द यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो बीच की पट्टी है ठीक है अभी मैंने कहा नहीं नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो तीन कंट्रीज में बटा हुआ है ऊपर का हिस्सा कनाडा है बीच में आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और नीचे मेक्सिको है और मेक्सिको जब नीचे आता है तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में चला जाता है जैसे पनामा सिटी हो गई ये सब आपका बैनजूला बहुत सारी आपको कंट्री सात आठ मिल जाएंगी वहां पे ठीक है गुटा वगैरह हो गई ये सब चीजें तो रियो ग्रांडे एक रिवर है ये प्री में कई बार क्वेश्चन पूछा गया ध्यान रखिएगा रियो ग्रांडे रिवर इट डिटरमाइंस द जोग्रफिकल बाउंड्री एज वेल एज द पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन अमेरिका एंड मेक्सिको क्योंकि अमेरिका और मेक्सिको हमेशा न्यूज में रहता है जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक प्रॉब्लम को फिगर आउट करने की कोशिश की थी उन्होंने कहा था मैक्सिको से बहुत सारे ड्रग डीलर स्मगलर बहुत सारे लोग जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसाते हैं तो इनको रोका कैसे जाए तो ही डिसाइडेड टू मेक अ वॉल देयर इन्होंने एक ग्रेट वॉल बनाने की बात की गई थी एक बैरिकेड टाइप का मतलब फेंसिंग करने की बात की गई थी तो काफी डिबेट में हुआ था कि आप अमेरिका की बॉडी क्योंकि उसने कहा था अमेरिका फर्स्ट हम पूरी दुनिया से करें अमेरिका को आगे प्रमोट करने की कोशिश करें तो हम इनलीगल इमिग्रेशन को या इन इीगल इनफिल्ट्रेशन को या जो रिफ्यूजी माइग्रेशन हो रहा था मेक्सिको से यूएस के अंदर और उसकी वजह से क्राइम रेट वगैरह बढ़ रहा था ऐसा नहीं है कि जितने भी मेक्सिकन अंदर आते थे सबके सब, सब क्रिमिनल होते थे बट देखिए अगर आप इनलीगल तरीके से किसी कंट्री में जा रहे हैं विदाउट एनी वर्क वीजा विदाउट एनी परमिट और समथिंग देर आर वेरी सीवियर पॉसिबिलिटीज दैट यू सिवियर पॉसिबिलिटीजेज इन to का इीगल ऑक्यूपेशन टू गट समाइडिक रेवन्यू आपके आई एस की तैयारी की तैयारी तो नहीं क्योंकि पास पे कुछ है नहीं तो आप क्या करोगे वहां सर्वाइव करने के लिए आप तो ड्रग स्मगलिंग करोगे या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वाल्व हो जाओगे ठीक है और वहां पर बहुत सारा यही सब होता था तो उसकी वजह से अमेरिका का क्राइम रेट बढ़ रहा था ऐसा नहीं कि सारे अमेरिकन थे, सारे जो थे मतलब सारे मेक्सिकन जो अमेरिका में जा रहे थे क्रिमिनल्स ऐसा कहना भी नहीं चाहिए लेकिन illegal immigrants इमिग्रेंट्स आर अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ होस्ट कंट्री इन एवरी and एंड एवरी प्लेस द सेम प्रॉब्लम वी आर सफरिंग द सेम प्रॉब्लम faced once by बाई अमेरिका अभी भी फेस कर रहा है वो इन चीजों से इलीगल इमिग्रेशन और मैं क्यों बार बार कह रहा हूं क्योंकि अभी डिसंबर 2023 में एक मूवी आई थी डंकी टकी ने एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी अमेरिका और कई डेवलप्ड कंट्रीज में कई डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से लोग इनीगल तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ के लोग देखो कितने वो हैं जो हैं उस देश में घुस रहे थे उनको वहां की आर्मी ने रोक लिया अब यही आप परपेक्टिव बदलिए अगर बांग्लादेश से नेपाल से पाकिस्तान से अफगानिस्तान से लोग बाड़े खुद खोद के सुरंगे खुद खोद के नदियां पार कर करके आपके देश में घुसने कोशिश करें आप कहेंगे वो इन लीगल रिफ्यूजी है इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको मार देना चाहिए उनको रोक देना चाहिए तो अमेरिका

अफगानिस्तान से कोई यहाँ आ रहा है तो सिविल सर्विस तैयारी करने तो आटे में क्रांति करने आ रहा होगा। कोई, कोई फंडेड है, है और आप कह दीजिए ग्राउंड उसको यहां रख भाई कैसे रख लें हमें पता है उसके आई से क्या लिंक है आपको पता ही लोग नेपाल चैनल का भी यूज करते हैं पाकिस्तान से नेपाल काठमांडू भेजेंगे फिर नेपाल के बॉर्डर से उसने कोशिश करेंगे नेपाल वॉज पोरस बॉर्डर वंस म्यांमार के साथ में हमारा एक एग्रीमेंट था कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर आठ दस किलोमीटर से इंटरचेंज हो सकता है आसपास क्योंकि बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न ऐसी कम्युनिटीज ऐसे एनक्लेव्स थे जो म्यांमार से मतलब कई सारे कल्चरल रूट्स वगैरह शेयर करते थे तो इन इमिग्रेशन को रोकने के लिए अभी याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने फिर से फेंसिंग की बात की गई थी मणिपुर बॉर्डर पर बात की थी तो ध्यान रखना मणिपुर बॉर्डर पर अमित शाह का स्टेटमेंट आया था आई थिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी कि वहां हम प्रॉपर फेंसिंग करवाएंगे क्योंकि मणिपुर में रिसेंटली अभी जो दंगे होना शुरू हुए थे बहुत सारा सिविल अनरेस्ट चल रहा था बहुत सारी यहाँ क्रांति हो रही थी उसका वन ऑफ द मेजर फैक्टर था कि दैट मोवमेंट वॉज बेस्ड इन म्यांमार और म्यांमार से इनफिल्ट्रेशन हो रहा था तो इनफिल्ट्रेशन हर कंट्री के लिए खतरा होता है

ये तो समुद्र है तो समुद्र में तो आदमी और जीव जंतु हम लोग रहेंगे नहीं वहाँ तो मतलब जो मैरिन uh, एनिमल्स हैं ठीक है समुद्र में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स वही रहेंगे तो हम आर्कटिक हैबिटेट किसको कह रहे हैं यहाँ पे हम कह रहे हैं कुछ ऐसे कंट्रीज जो 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ के ऊपर साइड में पड़ते हैं ठीक है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर्कटिक सर्किल उनको हम लैंड हैबिटेशन में काउंट कर लेते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कनाडा का रीजन अब आप एक बार मैप पे कनाडा को देखिएगा कनाडा सिर्फ एक एंटायर लैंडमास नहीं है जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है कनाडा के आप ऊपर देखिए बैफिन आइलैंड, और दुनिया भर के आपको आइलैंड में कुछ नाम आपको पढ़ के बता देता हूँ बैंक आइलैंड

नॉर्थ एटलांटिक ओशन में भी ऊपर साइड में बहुत सारे Labrador, सी वगैरह के ऊपर पड़ते हैं हटसन है। में पड़ती है कनाडा में ऊपर साइड में देखना यहां से कटमार्क होगा इसके ऊपर साइड में हटसन बे उसके ऊपर भी आपको जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो बैफिन आइलैंड है बेसिकली ठीक है और ये सारे आइलैंड की कोस्टलाइन को काउंट अगर आप करोगे तो कनाडा की जो कोस्टलाइन है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोस्टलाइन पड़ जाती है ये भी क्वेश्चन प्री में कई बार पूछा गया एनी वे कमिंग बैट तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड है कनाडा के जो बिल्कुल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ के ऊपर पड़ते हैं ये सब

नानसन बेसिन या नॉर्थ बैरेंट सी है बेसिकली ऊपर बैरेंट सी में कौन कौन सी कंट्रीज खुलती हैं तीन बेसिकली वहां कंट्रीज मानी जाती हैं स्कैंडिनेविया पेनिस्ला पे तो ये सब देख लेना तो ये रीजन भी आर्कटिक में आ जाएगा इसके अलावा जो रशिया का ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे एक मुरमांग्स करके मेरी खास एक जगह पड़ती है जस्ट लुक इन योर मैप्स चेक कर लीजिएगा मोमांस पेनिसुला कहाँ पड़ेगा मोमांस मु, करके पोर्ट एक पड़ता है नॉर्थ नॉर्थ रशिया में रशिया के बिल्कुल ऊपर तो ये ऊपर कई सारी सी हैं जैसे कारा सी है ठीक है देन देयर इज समथिंग कॉल्ड uh, कारा सी लापटेप सी साइबेरियन सी ये सब आर्टिक ओशन का ही हिस्सा है ऊपर की तरफ तो जो रशिया का जो ऊपर का हिस्सा है, ये भी कनाडा पड़ जाता है, जिसमें आपका है जो कुछ कंट्रीज हैं टोटल आठ कंट्रीज इसकी मेंबर हैं एंड इंटरेस्टिंगली यूएस इज ऑल्सो मेंबर स्टेट ऑफ आर्टिक काउंसिल अब आप कहोगे यार यूएस तो बीच में पड़ता है तो वो आर्कटिक काउंसिल में कैसे क्लेम करता है वो क्लेम करता है अलास्का की वजह से अगर आप मैप देखिए तो जो कनाडा है उसका जो वेस्ट वाला रीजन है मतलब आपके हाथ में लेफ्ट साइड में पड़ेगा वो ठीक है वहां पर एक छोटा सा पेनिस्ला टाइप का निकला अलास्कन जिसको बोलते हैं इज हैविंग वेरी जियोग्राफिकलिटी टू द रशा और रशिया और अलास्का पेनिस्ला के बीच में बैरिंग स्ट्रेट पड़ता है ठीक है एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच वॉटर बॉडी या विच स्ट्रेट सेपरेट रशिया फ्रॉम अमेरिका तो आप एक बार अगर टू डायमेंशनल मैप देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा अमेरिका तो यार इस साइड में है और रशिया तो इस साइड में है तो दोनों मिलेंगे कैसे भैया दुनिया गोल है फ्लैट थोड़ी ना है वो तो आप मैप पे देख रहे हो टू डायमेंशनल तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इधर पड़ता है रशिया उधर पड़ता है आप उसे ग्लोब के रूप में इमेजिन करिए या ग्लोब देखने की कोशिश करिए तो घूम के जो अमेरिका है वो रशिया बिल्कुल पास आ जाते हैं ठीक है समझ गए तो जहां पर रशिया का ये वाला हिस्सा एक वहां पे पड़ता है ना आपका कामचाट का पेनुसुला और उसके इधर का कोरियांग रेंज वगैरह पड़ती है बिल्कुल ईस्ट केप रीजन है बेसिकली रशिया में ठीक है तो जो ईस्ट केप वाला रीजन है पेनिसुल्ला की फॉर्म में निकला है और इधर आपका लास्ट का इनके बीच में बैरिंग स्ट्रेट पड़ती है तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैरिंग स्ट्रेट लाइज बिटवीन टू विच कंट्रीज तो दिमाग में ये मिसकंसेप्शन मत रखिएगा कि चलो ग्लोब में देखा था कि इधर आपका कनाडा पड़ रहा था इधर आपका रशिया था तो रशिया और कनाडा इज द राइट आंसर नहीं

कैरीबॉस है लेमिंग्स है स्क्वेरल है रेंडियर पाया जाएगा आपको ये सारे जीव जंतु आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे इनकी पूरी बॉडी पे फर्श होते हैं फॉर इंसुलेशन ताकि ठंडी वगैरह इनको ज्यादा ना लगे और इन्हीं की जो खाल है उसको उतार के फरकोट्स वगैरह बनाए जाते हैं तो जो वेगन ग्रुप वगैरह हैं वो इसका विरोध भी करते हैं ठीक है इंसेक्ट्स दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल विच आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द फेवरेबल पीरियड ऑफ द ईयर मतलब इंसेक्ट्स यहाँ ऐसे ऐसे पाए जाते साल में जो इनके लिए फेवरेबल टाइम होगा उसी में पैदा होंगे उसी में मर जाएंगे कुछ महीनों की जिंदगी होती है इनकी बेसिकली ठीक है देन ये तो आपका टेरिस्ट्रियल बायोम था जिसमें आपने फॉरेस्ट देखा ग्रासलैंड देखा देन कम्स योर डेजर्ट एंड अदर वन योर तुंदा ये बेसिकली चार टेस्ट बायोम होते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रीमियर तो कर लोगे ना ये चार ऑप्शन बता दिए गए ठीक है देन कम्स योर एक्वाटिक बायोम बायोम वो बायों जो पानी वाले हिस्से में पाए जाते हैं एक्वाटिक इट रिफर्स टू द प्लांट एंड एनिमल्स यानी कि फ्लोरा एंड द दोना कम्युनिटीज ऑकरिंग इन द वॉटर बॉडीज ठीक है ये आपके लेंटिक भी हो सकते हैं भी हो सकते हैं लेंटिक मतलब होता है बहता हुआ लॉटिक मतलब है रुका हुआ या रुका हुआ बहता हुआ चेक करिए लॉटिक और लेंटिक में क्या अंतर है एनी वे

और जो मैरिन में पाया जा रहा है मैरिन का मतलब होता है जो ओशन में पाया जा रहा है वहां पे सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा मिलेगा तो उनको सेलाइन बोला जाएगा है ना ऑन द बेस ऑफ सैलिटी दे आर ऑफ द टू टाइप्स वन इज योर फ्रेश वॉटर ही को सिस्टम एंड अदर वन इज योर फ्रेश वॉटर इको सिस्टम इज द वॉटर ऑन द लैंडली वेरी लो सॉल्ट कंटेंट एंड्रेस वॉटर एंड इट स्टडी एज द लिम्नोलॉजी ये याद रखना आप ये मैंने लाइन एक एड कर दी थी कई बार कभी कभी स्टेट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक वर्ड है उसका मतलब क्या तो लिम्नोलॉजी क्या है बेसिकली इट इज विदी ऑफ फ्रेश वॉटर और द कंटेंट ऑफ सोल्ट वाटर इन अ वॉटर बॉडी ठीक है अब ये जो फ्रेश वाटर इको सिटम है इसे हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं वन इज द स्टैटिक या स्टिल वाटर जिसको लेंटिक कहा जाता है और रनिंग वॉटर यूपी 2020 में प्रीमियर क्वेश्चन पूछा था 20 में भी था 21 में भी मुझे लगता पूछा पूछा गया गया था था या में में किसी एक में पूछा गया था। और उसमें ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए थे जैसे लेक है जैसे कोई सी uh, है है ना तो उसमें पूछा था इसमें लेंटिक कौन सा है लॉटिक कौन सा है तो लेंटिक क्या है आपका स्टैटिक या स्टिल वाटर ठहरा हुआ पानी जैसे पॉन्ड है लेक है बॉक्स एंड द स्व है और रनिंग वाटर यानी कि लॉटिक यानी कि स्प्रिंग्स है माउंटेन रूक्स है से बहता हुआ पानी तो लॉटिक में आ जाएगा लॉटिक मतलब है लोट रहा है बहता हुआ पानी है लेंटिक मतलब ठहरा हुआ पानी बस इतना याद रखिए नाउ लेक्स में तीन जोन होते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पेरीफेरल जोन ऊपर की तरफ जो पड़ता है ओपन वाटर बियॉन्ड द लिटरल जोन एंड द थर्ड वन इज बेंथिक जोन जो बिल्कुल नीचे पड़ता है तो एक बार नजर मान लीजिए पेरीफोल पेरीफेरल याकि लिटरल जोन विद अ शैलो वाटर शैलो मतलब होता है ना इसकी गहराई बहुत कम हो उछला सा पानी ऊपर का ठीक है पेरीफेरल पेरीफेरी इंग्लिश का वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है पेरीफेरी बोलते ना किसी चीज के आउट जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल है तो पेरीफेरी का मतलब है ये आउटर साइड ठीक है तो अगर हम लोग इंटरनेल सिक्योरिटी पर एक बात कर रहे हैं तो कहते हैं द स्टेट्स विच आर लाइंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट

तो यहां हम ओशन की बात कर रहे हैं दुनिया में कितने ओशन आपको पता ही है एक पूरा अटलांटिक है इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया और नीचे वाला हिस्सा साउथ अटलांटिक हो गया सेम वे में पैसिफिक ओशन पे जाएंगे तो नॉर्थ पैसिफिक है इक्वेटर के ऊपर वाला नीचे वाला साउथ पैसिफिक हो गया चार हो गए उसके अलावा इंडियन ओशन इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इंडिया के ऊपर नेम्ड है अच्छा इंडिया एक अभी डिबेट उठ गई इंडिया वर्सेज भारत उसको मैं स्पेशल स्लाइड में शेयर करूंगा बट इंडियन ओशन की बात आइए तो जस्ट

उट मतलब द्रियन रिलीजन तो आपका रीजन पड़ता है आपके डेट में ईरान बोलते हैं इट वॉट ट्रेडिशनली ऑक्यूपाइड और इनहेबिटेड तो होता है किसी पर कब्जा कर लेना इन्हेबिटेड बाय द जोरास्ट्रियन कम्युनिटी पीपल जब आर्यन की रेस सेंट्रल एशिया से आई इफ यू आर बिलीविंग एज गोइंग एज पर दर्यन थोड़ी तो ये दो विंग्स में बट गई बेसिकली दो मेजर विंग्स में एक तो यूरोप साइड में चली गई और एक विंग नीचे की तरफ आई कैस्पियन सी के नीचे से और ये फिर दो भागों में बट गई एक जाके पर्शिया साइड में रहने लगे और एक आपके जो खाइबर पास वगैरह था उसको पास करके आज का जो पाकिस्तान है जम्मू कश्मीर का रीजन है आपका लद्दाख का थोड़ा सा मान लीजिए पंजाब हरियाणा का रीजन है यहाँ आके बस गए ठीक है तो यहाँ भी दो विंग बट गई तो इसी वजह से जो सिंधु वाला प्रदेश था वहां पर जिस ग्रंथ की रचना हुई उसका नाम रखा गया ऋग्वेद और सेम लिटरेचर सेम लैंग्वेज का यूज करते हुए ईरान साइड में ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था जेदेवेस्ता

लेकिन आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंडिया इंडिया शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था आपको एक हिस्ट्री में नाम मिलेगा इंडिका इंडिका एक किताब थी जो मेगास्थनीज ने लिखी थी मेगाज कौन था कुछ नहीं दहेज में आया हुआ आदमी चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर उनकी शादी जब हेलेना से होती है हेलेना कौन कौन थी सल्यूकस निकेटर की बेटी सल्यूकस निकेटर कौन था सिकंदर का सेनापति था तो सिकंदर जब अपनी विश्व विजय के बाद में इंडियन सबकॉन्टिनेंट से वापस लौटता है तो वो उस पूरे रीजन को सेट्रप्स में बांट देता है तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ठीक है ये कई बार एशियन हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया क्या था एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी अलेक्जेंडर जब इंडियन सबकॉन्टिनेट से विजय करके अच्छा सिकंदर आया कहां तक था अलेक्जेंडर जो था आपका अगर आपने चाणक्य सीरत देखा होगा चंद्रप्रकाश द्विवेदी का तो उन्होंने अलेक्जेंडर के लिए बड़ा प्यारा नाम यूज किया अलक्षेंद्र संस्कृत में उसको अलेक्जेंडर को अलक्षेंद्र कहा जाता था वो तो हिंदी में और उर्दू वगैरह में मिला के सिकंदर बोला जाने लगा उसको और जब से पिक्चर बन गई जो जीता वो सिकंदर तब से सिकंदर से नजर चलने लगा उसका नाम सिकंदर थोड़ी ना था उसका नाम था अलेक्जेंडर और संस्कृत में उसको लक्षेंद्र बोलते थे

यवनिका ठीक है तो यवन प्रिया किसको बोलते थे लॉन्ग को बोलते थे यवनिका पर्दों को बोलते थे करटन को बोलते थे क्योंकि जब रोमन्स और ग्रीको रोमन आए ग्रीको रोमन मतलब ग्रीस और रोम ये पूरा पूरा ग्रीको रोमन एम्पायर बोला जाता था तो अलेक्जेंडर यहीं से आया था अलेक्जेंडर जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो जब ये लोग आए इनका एनकाउंटर हमारे सिविलाइजेशन से हुआ तो हमारे बीच में बहुत सारी कल्चरल इंटरमिक्सिंग हुई कल्चरल एसिमुलेशन हुआ कल्चरल एक्सचेंज वगैरह हुआ तो यवन लोग जो थे उनको लोंग बड़ी प्रिय थी तो लोंग को हम लोग यवन प्रिया बोलने लगे रोमन्स आए तो हमारे यहाँ थिएटर का कल्चर लेके आए तो उसमें पर्दे यूज होते थे जब एक्ट्रेस वगैरह स्टेज के पीछे से आते तो आगे पर्दे लगाए जाते पर्दे खुलते थे तो उनको वहां पे यवनिका बोला गया तो एंशंट हिस्ट्री में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज होता है ठीक है तो इन्हीं ग्रो को रोम ने इंडिया मतलब जो आज का आपका इंडिया है भारत है तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया था इंडिया और वो सिर्फ हमारे इंडिया के लिए नहीं यूज होता था बाद में ब्रिटिशर ने इस वर्ड का यूज अपनी कॉलोनीज के लिए करना शुरू किया और ये डिबेट अभी तब उठ गई जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इंडिया की जगह भारत वर्ड को प्रमोट किया जाने लगा तो लोगों ने कहा कि नहीं ये तो हिंदुवादी कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं इंडिया हमारा पुराना नाम था ऐसा कुछ भी नहीं है ओरिजिनल नाम तो भारत ही था देखिए मान लीजिए आपका नाम है पप्पू ठीक है और आपके बेटे का नाम है गप्पू तो आप जब बाहर निकलते हैं तो लोग आपको बुलाते हैं गप्पू के पापा या आपको बुलाते हैं पप्पू एक रिफरेंस होता है ना सामने वाला आपको गप्पू के पापा बोल रहा है तो आपका नाम थोड़ी ना गप्पू के पापा हो गया आपका नाम तो पप्पू ही रहा तो सेम वे में वही चीज हुई इंडिया के साथ में अब मान लीजिए इंडिया का नाम ऐसा बोलते हैं जो भारत शब्द था वो राजा भरत से आया था एक एक इंडिया में एक राजा भरत उन्होंने उनका अलग वंश हुआ तो उनके नाम से वेरी गुड दैट टाइम तो उनके नाम से भारत वर्ष बोला गया जमवीदीप बोला गया ये हमारे इंडोजेनिक नेम्स हैं इंडिक नेम्स है मतलब हमने खुद जनरेट किया ठीक है।, है और एक नाम होते वही गप्पू के पापा पड़ोस वाला कोई बोल देता है ठीक है या आपकी बेटी है उसका नाम है कुछ बबीता उन्होंने तो बोल दिया बबीता के पापा बबीता की अम्मा तो ये इंटर रिलेटेड वर्ड्स होते जो किसी और ने आपको दिए तो आप किसी और के दिए गए नाम को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं है ना तो किसी और ने आपको बोल दिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान तो वो पर्शियन बोल रहे थे आपको तो हिंदुस्तान थोड़ी ना नाम हो गया वो तो किसी और ने दिया था हमको हमारा नाम तो भारतवर्ष ही रहेगा ना सेम वे में ग्रीको और आ रहे हैं वो आपको इंडिया बोल रहे हैं एक किताब लिख रहे हैं इंडिका नाम की मेगास्थनीज ने लिखी थी ठीक है तो उसकी वजह से इंडिया बोलने अब सबने इंडिया इंडिया भी आप प्राउड इंडियंस हम भारत नहीं बोल सकते अरे ऐसा थोड़ी ना होता है

ये जोग्राफिकल वर्ड है ना हिंदू इवन लाइक uh, like, uh, एक जज हुए थे जे एस वर्मा उन्होंने फेमस हिंदुत्व जजमेंट दिया था समवेयर इन द थ्री फोर की बात है ये तो उन्होंने इवन इन जजमेंट ही द वर्ड कि हिंदू इज नॉट अ नेम ऑफ अ रिलीजन बट इट इज अ वे ऑफ सिविलाइजेशन इट इज अ वे ऑफ लिविंग ठीक है इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक बट आप वो इंडिया वाला याद रखना हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम बात कर रहे थे इंडियन ओशन की ठीक है तो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेमड आफ्टर अ कंट्री ठीक है अब आप उसको कुछ और बोल दीजिए भारत का समुद्र बोल दीजिए एनी वे भारतीय समुद्र तो अटलांटिक देख लिया पैसिफिक देख लिया देन देन योर योर दिस ओशन है ना तो ये आपके टोटल सात समुद्र हो जाते हैं कुल मिला के सात नीचे हुए ना तो सातवां कौन सा है सातवां बड़ा मजेदार है इंडियन ओशन के साउथ में नीचे की तरफ और एंटार्क्टिका के ऊपर एक और वाटर बॉडी पाई जाती है जिसको हम सदन ओशन बोल देते हैं ठीक है तो ये आपका सातवां ओशन है तो एंटार्क्टिका को कभी ओशन मत बोल दीजिएगा अगर ऊपर की तरफ आर्टिक ओशन है तो याद रखिएगा नीचे की तरफ सदन ओशन है ना कि अंटार्टिका ओशन अंटार्टिका कोई ओशन नहीं है अंटार्टिका इज अ लैंड मास ठीक है हाँ ऊपर आर्टिक ओशन है नीचे सदन ओशन आपको मिलेगा एंड सदन ओशन इज ट्रैप्ड बिटवीन द अंटार्टिका विच इज अ लैंड मास और द इंडियन ओशन ऊपर की तरफ सामने देखेंगे इंडियन ओशन इधर देखेंगे अटलांटिक इधर देखेंगे पैसिफिक तो साउथ अटलांटिक साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन के साउथ में और एंटार्टिका के नॉर्थ में

हम लोग जमीन पर रहते हैं और आप जमीन के बारे में ही बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। और जमीन तो सिर्फ तीस परसेंट ऑफ द प्लेनेट को ऑक्यूपाई करती तो है सत्तर परसेंट तो वाटर बॉडी है इसलिए कहते हैं दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा पानी से है या तो हम पानी की कमी से मरेंगे या पानी की बहुआयाद से मरेंगे मतलब एक्सेसिव वाटर से मरेंगे कमी से क्यों मरेंगे क्योंकि जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं और जो मैरिन सोर्सेज ऑफ तो वाटर हैं जो सेलाइन वाटर है वो बढ़ता जा रहा है तो ओशनिक सी लेवल बढ़ेगा उसमें डूब के हम मर जाएंगे जिसे हम कहते हैं जल प्रलय होना तो पानी से ही हमको खतरा है पानी की कमी से भी खतरा है और पानी ज्यादा हो गया तो भी खतरा है पानी ज्यादा कहां होता है मैरिन इको में होता है पानी कम कहां होता है फ्रेश वाटर इको में होता है है ना ज्यादा पानी हम लोग कंज्यूम करते हैं थिंग तो आप सोच लीजिए सत्तर जिस प्लेनेट का मैरिन इको हो ठीक है और हम लोग तो समुद्र में अभी तक उतरे भी नहीं है प्रॉपर वे में हम लोग सिर्फ सरफेस सरफेस को एक्सप्लोर करते रहते हैं जैसे आप एटलांटिक ओशन को शिप से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं पैसिफिक को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं आपको इतनी खूबसूरती देखने को मिलेगी ठीक है कहीं पे आपको बायोलूमिनेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे समुद्र में रहने वाले कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके अंदर होता है उनकी बॉडी रेडिएट करने लगती है जिसकी वजह से समुद्र की सतह चमकने लगती है जेम्स कैमरून लास्ट टाइम मेरियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर करने गए थे आपको पता है ना ओशन में दो तीन रिलीफ फीचर्स होते हैं देर आर द ट्रेंचेस देर आर द रिजेस ये दो वर्ड याद रखिएगा ओशनिक फीचर कभी ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तो वहां ले लेंगे लेकिन अभी रिफरेंस आगे तो बता देता हूँ रिजेस एंड द ट्रेंचेस अगर प्री में कभी क्वेश्चन आ गया कि द दर्ड रिजेस एक्सक्लूसिवली फॉर विच काइंड ऑफ द इको सिस्टम रखना तो ये मेरीन इको सिस्टम के लिए यूज होते हैं क्योंकि जो आपकी ओशनिक रिलीफ फीचर्स होते हैं उसमें या तो गड्ढा होगा अच्छा आपको क्या लगता है समुद्र के जब अंदर जाओगे तो सिर्फ पानी पानी होता है अंदर अंदर कोर में चले जाओगे पानी पानी रहेगा पूरी अर्थ के अंदर ही पानी है ऐसा नहीं है ना आपको पता है अर्थ जो होती है आपकी ये बेसिकली तीन रिंग्स में बटी हुई है है ना ये तो आपको पता ही है ये अंदर वाला क्या होता है कोर होता है बाहर वाला क्या होता है आपका मेंटल होता है बीच वाला ठीक है और ऊपर वाला जो आपका होता है, होता है है लिथोस्फीयर वाला रीजन क्रस्ट क्रस्ट जिसको आप बोल देते हो यानी मेंटल एंड द कोर तो अर्थ जो है बेसिकली आपका जो स्फीयर है ये बेसिकली तीन रिंग्स में बटा हुआ है तो अब देखिए होता क्या है आपका कि जो सरफेस है बिल्कुल जो कोर का हिस्सा है यहाँ एक तो टेरेस्ट्रियल बायोम है यानी कि लैंड है और एक नीचे ओशन है तो ओशन

ऐसे-ऐसे आएगा और कहीं पे बिल्कुल गड्ढा आपको दिखेगा फिर हल्का से ऐसे उठाव दिखाई देगा तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको हम बोलते हैं रिज और ये जो खंती आपको दिखाई दे रही है गहरा पना दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रेंच तो ये दो वर्ड आपको समझ आ गए ट्रेंच और द रिजेस ठीक है अब मैं क्यों बार बार बता रहा हूं आपको एक बार मैप खोल के देखना आपको ब्लू कलर दिखाई देगा ब्लू कलर को वाटर बॉडी को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें कहीं कहीं पे अचानक से व्हाइट कलर दिखने लगे और कहीं पे डी ब्लू दिखाई देगा अगर आपने अच्छी क्वालिटी का मैप डाउनलोड किया अच्छी अगर फोन में पढ़ रहे हैं तो या अच्छी क्वालिटी का मैप अपने रूम में लगा उसको एक बार देखना कि जो ब्लू कलर से हम वाटर बॉडी ओशनिक उसको यूज करते हैं उसमें अलग अलग कलर वेरिएशन होता है और वो कलर वेरिएशन जो होता है अर्थ के एलिवेशन को दिखाने के लिए होता है अगर लाइट कलर आ रहा है तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ है ना ओशनिक सरफेस से ऊपर की तरफ और डीप ब्लू आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल ट्रेंच है गड्ढा है तो जहां आप देखना लाइट कलर होगा वहां एक वर्ड लिखा होगा रिच ठीक है जैसे अटलांटिक ओशन का रीजन देखिए एक बार मैप खोल के वहां लिखा होगा डॉल्फिन रिच एंड द चैलेंजर रिच तो एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक में आपकी डॉल्फिन पड़ेगी तो नीचे आपकी चैलेंजर पड़ जाएगी सेम वे में इंडियन ओशन में जाएंगे तो आपको सात आठ ऐसी ऐसी रिजेस दिखाई देंगी व्हाइट व्हाइट कलर से हल्की लाइट व्हाइट कलर से ब्लू में मार्क पड़ा होगा रिजेस का मतलब है ये उठा हुआ हिस्सा मतलब यहां समुद्र का जो सरफेस है ये काफी ऊपर की तरफ आ रहा है ठीक है थोड़ा और ऊपर होता तो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ओशन और वो याद रखना हमेशा ट्रेंच होती है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जावा ट्रेंच जैसे मैं कहूँ मैरियाना ट्रेंच जैसे एक होती है ठीक है तो तीन चार मेजर ट्रेंचेस हैं तो आप अपना मैप चेक कर लेना ट्राई टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन आउट और जस्ट बाक इन योर नोटिस कौन सी ट्रेंच है जैसे अगर मैं मेरियाना ट्रेंच, तो याद रखेगा जो मैरिया ट्रेंच है आपकी वो पैसिफिक में पड़ती है अब कंफ्यूजन कई बार क्या होती है कि आप देखोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट और चाइना वाले के आसपास मैरियाना तो इंडियन ओशन होगी नहीं इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो जावा ट्रेंज है जो जावाइलैंड पड़ता है बिल्कुल उसके पास पड़ती है ठीक है तो इंडियन ओशन ज सेपरेट ओशन जिसका डीपेस्ट पॉइंट जावा ट्रेंच हो गई सेम वे में मारियाना ट्रेंच बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर साउथ पैसिफिक ओशन उसकी एक्जेक्ट लोकेशन देख लेना उशाना वाले रीजन में आपको कहीं मिल जाएगी और मारियाना ट्रेंच इसलिए न्यूज में रहता है क्योंकि जो अवतार मूवी थी या आपकी जो टाइटेनिक बनी थी उस टाइम पे ठीक है उसके या टर्मिनेटर कह लीजिए उसके डायरेक्टर जेम्स कैमरून सेलिब्रेटेड डायरेक्टर उनके साथ एक परेशानी है वो दस या पंद्रह साल में एक पिक्चर बनाते हैं लेकिन वो पंद्रह साल वो रिसर्च करते रहते पिक्चर तो साल दो साल में बन जाती है ही इज वेरी डीपली इन्वेस्टिंग इन द द रिसर्च रिसर्च काइंड ऑफ थिंग आर एंड में में बहुत इन्वेस्ट करते हैं डेवलपमेंट तो जब ये अवतार टू बना रहे थे दैट वॉज बेस्ड ऑन द वॉर बॉडीज एंड एवरीथिंग अगर देखी होगी तो समझ ही जाओगे मैं क्या रेफरेंस ले रहा हूँ तो ही वेंट इन डीप इन द मैरियाना ट्रेंच आपको पता है आप समुद्र में बहुत भीतर तक डाइविंग नहीं कर सकते हैं एंड वॉट इज द बेसिक रीजन

का नाम क्या था टाइटेनिक जहाज जहां पे डूबा था उसका कचरा अभी भी वही नॉर्थ अटल्टिक में पड़ा हुआ है कुछ लोगों को एक बीमारी होती है कहते नहीं गड्ढे खोदने की हम देख के आएंगे वहां है क्या ठीक है तो टाइटेनिक का कचरा पड़ा हुआ था अब जब आदमी का पैसा ज्यादा होता है तो वो नए नए क्रांति किया करता है जैसे कभी कहेगा मुझे स्पेस शटल में बैठ के ऊपर तक जाना है बीच में हुआ था एलन मस्क का कोलैबोरेशन कहीं से हुआ था उन्होंने एक शटल टाइप की भेजी थी कभी वो कहेगा मुझे समुद्रीय गहराइयों में एक्सप्लोर करके आना है पैसा है आग लगानी है कुछ ना कुछ आदमी इन्वेस्ट करेगा वेस्ट करेगा तो उनको टाइटेनिक का कचड़ा देखने जाना था अब टाइटेनिक का कचड़ा तैर तो रहा नहीं था ऊपर वो जमीन मतलब बिल्कुल ये यहाँ पे समवेयर यहाँ के नीचे पड़ा हुआ था ओशन डेप्थ पे तो इन्होंने एक सबमेरिन टाइप की डेवलप की उसमें सात आठ करोड़पति जाके घुस के बैठे खूब पैसा दिया उन्होंने कि हम घूम के आएंगे देख के

इसलिए वो क्वेश्चन आ गया है ना तो एक चीज याद रखना कि जब वाटर बॉडी में ऊपर के सरफेस पे आप आराम से तैर रहे हो यहाँ वाटर प्रेशर कम होता है आपके शरीर की नसें फटेंगी नहीं लेकिन फिर भी आप डाइविंग सूट पहन के जाते हैं अच्छा ये न्यूज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है मोदी जी की वजह से मोदी जी कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं हमेशा ठीक है जैसे मंदिर में 22 जनवरी को उद्घाटन एस्पिरेंट और यू आर बेसिकली एस्पिरेंट जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो जब आप ऐसी कोई भी फ्लैशिंग चीज देखिए तो उसकी सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करिए उससे जुड़े हुए कल्चर को समझने की कोशिश करिए उससे पीछे अगर कोई जीएस से रिलेटेड टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करिए तो मोदी जी को बैठे बैठे कीड़े नहीं काट रहे थे कि वहाँ डाइविंग करने चले गए थे वहां पर डूबा हुआ मंदिर है आपको पता है जो द्वारिका नगरी पड़ती है जो कि कृष्ण ने बसाई थी ऐसी मान्यता है कि वो द्वारिका नगरी जो थी वो समुद्र में डूब गई थी और वो रीजन भी है अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो द्वारिका है एक्जक्टली वो गुजरात के किस हिस्से में पड़ती है आप एक बार मैप उठा के देख लीजिएगा यहाँ पे मैप अवेलेबल नहीं वरना मैं आपको भी यही दिखाता खोलूंगा टाइम लगेगा उसमें तो आप देखना गुजरात शेर के मुंह की तरह दिखाई देता है ना गुजरात इज समथिंग लाइक दिस अगर मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछूं जो ऊपर का हिस्सा है इसको आप क्या बोलते हो कच्छ रीजन बोलते हो रन ऑफ कच्छ या समथिंग ग्रेटर रन है लिटिल रन है यहाँ पे तो बेसिकली इसको आप बोलोगे कच्छ रीजन और जो नीचे का हिस्सा है ये काठियावाड़ पेनिंसुला है ये तो पता ही होगा आपको अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया कि द्वारिका विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली एग्जैक्टली लाइज इन द कच्छ रीजन और इन द काठियावाड़ रीजन तो आपका आंसर क्या होगा

फॉरेन पॉलिसी और उसको लेके काफी टाइम से क्लेश चल रहा है ठीक है उन्होंने इंड... उनके जो अभी के वर्तमान हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं उन्होंने इंडिया आउट का नारा दे चुनाव लड़ा था और उन्होंने कहा था हमारे आते हाथी इंडियन आर्मी को हटा देंगे उनकी पूरी इकोनॉमी इंडिया के टूरिज्म के बेसिस पे चलती है हमारे यहाँ के जितने सेलिब्रिटीज हैं सब वहाँ मालदीव में पता नहीं क्या घूमने जाते हैं जब अपने यहाँ पे इतने आइलैंड है यहाँ पे घूम लो इतने बीचेस हैं तो मोदी जी ने क्या किया उनकी पूरी एकॉनमी को हिला दिया मोदी जी लक्षद्वीप के बीच पे जाते हैं वहाँ शानदार सी किताब को पढ़ते हुए बढ़िया फोटो सेशन कराते हैं थोड़ा समुद्री तट पे घूमते हैं ट्रेंडिंग हो जाता है लक्षद्वीप, सारे सेलिब्रिटीज सचिन तेंदुलकर से लेकर को ट्वीट करने लगता है वी विल बॉल बॉयकॉट मालदीव एंड वी विल गो एंड विजिट एंड एक्सप्लोर अवर ओन आईलैंड आपको पता है इंडिया में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के आईलैंड हैं मतलब कितने बीचेस हैं

और डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एज वेल एज द मालदीव दोनों इस पे क्लेम करते हैं ठीक है आइलैंड आइलैंड इज पार्ट ऑफ इट बट मिनिकॉय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां हमारी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस भी है ठीक है और उनका यह कहना मालदीव वालों का कि लक्षद्वीप इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मालदीव अरे भैया मालदीव इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लक्षद्वीप हम चाहें तो हम तुमको क्लेम कर दें और तुम हमारे आइलैंड को क्लेम कर रहे हो एनिवे anyway, मोदी जी वहां की इकोनॉमी हिलाने गए थे फिर द्वारिका क्यों गए थे क्योंकि द्वारिका वो इसलिए गए थे वहां पे क्योंकि इट वॉज द सीजन ऑफ लेक्शन वर कमिंग एंड समथिंग सो ही वॉन्टेड टू रेस कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड समथिंग और द्वारिका नगरी कृष्ण से जुड़ी हुई है आपको पता है यूपी में ऑलरेडी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गरमा रहा है बहुत तेजी से तो ये सारी चीजों को थोड़ा रिलेट कर लीजिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि द्वारिका एक्जैक्टली exactly कच्छ रीजन में पड़ती है या काठियावाड़ रीजन में पड़ती है और साथ ही साथ में जोग्राफी और साइंस के लिए एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है वाटर प्रेशर क्योंकि मोदी जी डाइविंग सूट पहन के गए थे और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां तो चलिए ओशनिक बिल्कुल यहां कहीं है

साउंड रिकॉर्डिंग करने गया था कि ओशन के नीचे जाके आवाज कैसी आती है उन्होंने अवतार में उसी साउंड इफेक्ट को यूज किया था क्योंकि हॉलीवुड के डायरेक्टर हमारे लिए जैसे नहीं होते हैं अब जैसे संजय लीला भंसाली ने भी एक द डायमंड मार्केट करके एक वेब सीरीज बनाई हीरा मंडी ठीक है हीरा मंडी लाहौर में मार्केट है आपके हिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मैं आपको कुछ मजेदार फैक्ट ऐसे ही बता देता हूँ हीरा मंडी की स्थापना किसने की थी लाहौर के एक सिख प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ठीक है प्राइम मिनिस्टर उस समय आज के पीएम वाला नहीं होता था हीरा सिंह उन्होंने हीरा मंडी को एक ग्रेन मार्केट के रूप में डेवलप किया था ठीक है और बाद में बहुत आगे चल के ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं ब्रिटिश पीरियड से पहले फिर ये एक ब्रॉथर्स के रूप में डेवलप होता चला गया और आज भी वो ग्रेन मार्केट है दिन में ग्रेन मार्केट ही वहां काम करता है फंक्शन करता है तो एग्जैक्टली द फाउंडर ऑफ हीरा मंडी वॉज महाराजा हीरा सिंह फिर उसके बाद जब मुगल पीरियड आता है तो वहां से उज्बेकिस्तान वगैरह से वुमेन ट्रैफिक करके लाई जाने लगती हैं। फिर वो एक कल्चरल हब के रूप में डेवलप होता है और वहां पर ये तवायफ कल्चर और सब कुछ शुरू होता है एंड इट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बनारस एंड द अवध काइंड ऑफ वॉट द कल्चरल सेंटर्स फॉर डेवलपिंग जिनको आज की डेट में आप कोठा बोल देते हैं like लेकिन आज के में, जो होता है, उसमें बहुत अंतर था तो जो हीरा मंडी है वो क्योंकि वेब सीरीज आई थी देखिए ये मत सोचिए मूवी वेब सीरीज रिलेटेड एग्जाम के लिए रिलिवेंट नहीं है इन्होंने मेरी कॉम के बच्चे कितने इस पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं यूपीएससी वाले क्योंकि मैरी कॉम मूवी उस साल रिलीज हुई थी दो हजार में ठीक है तो कोई ऐसी चीज आए तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ लीजिएगा तो हीरा मंडी के फाउंडर कौन थे ठीक है लाहौर में लोकेटेड ये तो आपको पता ही होगा ठीक है और इसका रिलेशन अहमद शाह अब्दाली से भी है जब अहमद शाह अब्दाली ने इस पर्टिकुलर लाहौर वाले रीजन को इन्वेड किया था आफ्टर दैट ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग वुमेन फ्रॉम बोथ उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान से औते तो खैर मुगल पीरियड से आने लगी थी एंड जब अहमद शाह अब्दाली आता है तो आपको पता है अफगान रीजन का था तो अफगान साइड से भी वो वुमेन की ट्रैफिकिंग वगैरह शुरू करता है तो पहली बार जो प्रोस्टिट्यूशन शुरू हुआ था हीरा मंडी में इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अहमद शाह अब्दाली ब्रिटिश पीरियड अहमद शाहब्दाली बहुत आता है ब्रिटिश तो, तो बहुत बाद में आए थे ठीक है मतलब ब्रिटिश थे उस पीरियड में लेकिन इस रीजन में उनका डॉमिनेस बहुत बाद में हुआ तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी चलिए उसे छोड़ दीजिए अब यहाँ फिर से आ जाते हैं तो ये आपको क्लियर हो गया क्रिंजे और कॉन्सेप्ट अब फिर पीछे आ जाता है मेरीनिको सिम अब आप सोचिए जिस समुद्र की सतह पर आप सिर्फ तैर सकते हो ऊपर ऊपर से आप उसके बेंथिक जोन तो छोड़ दीजिए आप उसके लिटरल जोन या पेरिफेरल जोन में भी बहुत अच्छे से डीप डाइविंग नहीं कर सकते आप उसके बारे में क्या जानते होंगे कुछ भी नहीं जानते हैं आप तो इट इज द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ अवर प्लेनेट और अच्छा ही आप ना ही जानिए क्योंकि मनुष्य एक कहावत होती है हमारे यहां कही जाती है कि लाइक जहां जहां पड़े संतन के वहां वहां दहर मतलब ह्यूमन रेस जहां भी पहुंच जाएगी ह्यूमन इम्प्रिंट छोड़ेगी वहां सत्यानाश जरूर करेगी वी वेंट इन टू द हिमालयन इको सिस्टम एंड टूडे इट इज अ विक्टिम ऑफ लैंड स्लाइड्स ठीक है रोज कर्नाटक हो रहा है कभी अभी देखिए जोशी जो क्या नाम है जोशी मत. दो साल या साल भर पहले की बात है जोशी मठ में घरों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी जमीन फटनी शुरू हो गई थी क्यों फट रही थी क्योंकि आप वहाँ पे माइनिंग कर रहे हो चार धाम प्रोजेक्ट के चक्कर में वहाँ पे डायनामाइट बिछा के पहाड़ तोड़ डाल लो आपको वहाँ रोपवे भी बनाने तो जब आप हेवी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे किसी पहाड़ी रीजन में तो इको सिस्टम को आप डिसबैलेंस कर देंगे ठीक है उसके कॉन्सिक्वेंस ऐसे निकलेंगे लांच होगा लैंडस्लाइड होगा जमीन फटेगी भूस्खलन होगा यही सब चीजें होंगी वहाँ पे तो अच्छा ही है कि मैरिन इको को हमने अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कम से कम वहाँ जो एक प्रॉपर स्पीशीज रह रही हैं वो बची हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज के इफेक्ट देखने को मिले हैं यूपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ओशनिक एसिडिफिकेशन जो हम पोल्यूशन में आगे पढ़ेंगे लेकिन क्योंकि यहां मैरीन इको की बात करें तो ध्यान रखिएगा मैरीन इको में कोरल रीफ्स पाई जाती हैं कोरल रीफ्स इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि दो तीन साल पहले एक मूवी आई थी राम सेतु टू थाउजेंड में एक प्रोजेक्ट सेतु समुद्र था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे ठीक है अब वो हालांकि करीब 12 साल उस बात को हो गया और बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बैंड नहीं कर दिया है ठीक है अच्छा ही है वो प्रोजेक्ट ना हो बट उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम के बारे में ये जैसे इंडिया का पेनिंसुला रीजन है यहाँ पे आपका श्रीलंका है इनको बीच में कनेक्ट वाली जो एक लैंड बॉडी है उसको आप पालक स्ट्रेट कहते हो ठीक है ये रीजन आपके एन्वायरमेंट एक्लोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ साथ में जोग्रफी के लिए क्योंकि रिपीटेडली इस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए जैसे गल्फ ऑफ मन्नार अगर मैं आपसे कहूँ गल्फ ऑफ मन्नार लाइज साउथ ऑफ पाल्क स्ट्रेट और नॉर्थ ऑफ पालक स्ट्रेट तो गल्फ ऑफ मन्नार एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है कावेरी का बेसिन कहाँ पे है रिवर कावेरी जो है वो पालक स्ट्रेट के ऊपर साइड में डिस्चार्ज हो जाती है ऑफ बंगाल साइड में कि बिल्कुल नीचे आती है आपके कन्याकुमारी साइड में ये एग्जैक्टली exactly याद रखिएगा ये एक रिवर है ये कावेरी के ऊपर है नीचे मैंने कहा नहीं ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ ही साथ में एक चीज याद रखिएगा एक सी डुगोंग होती है यूपीएससी ने 2016 में इस पे प्री में क्वेश्चन पूछा था सी सी काऊ या ड्यूगोंग मैं नाम लिख देता हूं इसका इसको सी काऊ भी बोलते हैं तो आपको लगेगा कोई ऐसी गाय जो समुद्र में तैर रही है ऐसा नहीं है वो वेल टाइप की एक मछली होती है बट इट्स को सी का इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाकी मछलियों को नहीं खाती है ये घास फूस ग्रासेस वगैरह को खाती है अब आपके तो समुद्र में इसको घास से मिल रही है आपको पता ही है कि जो आपका मैरिन इको होता है यहाँ पे एक अलग तरह की वेजिटेशन उत्पन्न होती है ठीक है यहाँ पे वार्म करंट और सी करंट मिलते हैं यहाँ पे एक अलग तरह की काई टाइप की वेजिटेशन मिलती है और अगर आप डीप सी में जाएंगे तो वहां पर आपको पेड़ पौधे जीप से हैरी पॉटर देखिए ना आपने हैरी पॉटर में आई थिंक फोर्थ पार्ट था ऑर्डर फोर्थ पार्ट था मेरे ख्याल से कोई तो उसमें उस चीज को दिखाने की कोशिश की है वो लोग अंदर जाते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे आप एक बार गूगल कर लेना उस फोटो को ठीक है कि उसके अंदर किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है तो द द काइंड ऑफ वेजिटेशन दैट इज सस्टेनिंग टू डीप वाटर्स इट इज बीन कंज्यूम्ड और कुछ ऊपर तैरती हुई भी है ठीक है तो ये सब चीजें कंज्यूम करती है ये ड्यू या सी का यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि गंग का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है तो उस समय तो ये वेलरेबल था अभी का स्टेटस देख लीजिएगा का

आप कह सकते हैं बेसिकली ठीक है अब इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले एक न्यूज फ्लैश हुई थी कि गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में ड्यूगा के लिए कंजर्वेशन साइट डेवलप की जाएगी गल्फ ऑफ मन्नार में एक्जैक्टली exactly, ठीक है तो ये हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें अभी एक साल पुरानी न्यूज है ये तो ये मैंने कहा नहीं रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बट वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट से तो समुद्रम ये क्या है एनवायरमेंट टेक्लॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टू थाउजेंड में यूपीए गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा उन्होंने कहा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो आपका थोड़ा सा एक लैंड स्ट्रक्चर है जिसको आप पार्क स्टेट टाइप का बोल देते हो ठीक है ये एक जोग्राफिकल फॉर्मेशन है उन्होंने एक कोर्ट में केस प्रेजेंट किया उन्होंने कहा वहां का लैंडस्केप ऐसा है कि वहां पे जो ओशनिक सरफेस है मतलब वही जो मैंने बताया नहीं बेंथिक जोन वगैरह वहां पे बहुत सारे रॉक्स और बहुत सारी चीजें पाई गई जोग्राफिकली इधर उधर सेडिमेंटेशन से आई है क्योंकि वहां पे बहुत सारी नदियों का डिस्चार्ज होता है तीन तीन ओशन का मीटिंग पॉइंट है वहां पे ठीक है नीचे इंडियन ओशन है इधर आपका बे ऑफ बंगाल इधर आपका अरे ओशन है ये सब आके मिलते हैं तो बहुत सारे रॉक कॉम्पोनेंट इधर से आके बह गए और एक टाइप का एक लैंड स्ट्रक्चर बन गया है। इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है लेकिन बीजेपी और कुछ जो रेडिकल विंग्स थे या राइट विंग पार्टीज थी उनका यह कहना था कि अच्छा आपने वर्ड सुना होगा एडम्स ब्रिज अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वैसे पूछते नहीं है लेकिन फिर भी पूछ रहे तो ऐसे वगैरह हम पूछ सकते हैं कि एडम्स ब्रिज जो वर्ड है वो एग्जैक्टली exactly किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो राम सेतु को ही हिंदी में राम सेतु बोल देते हैं इंग्लिश में उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं क्योंकि जब ब्रिटिशर इंडिया आए थे तो उन्होंने ये वर्ड एडम्स ब्रिज यूज किया था हर प्रजाति हर स्पीसीज हर कल्चर हर सिविलाइजेशन अपनी संस्कृति को प्रमोट करने की कोशिश करता है हिंदू दर्शन होगा तो वो कहेगा राम सेतु राम से जोड़ने की कोशिश करेगा क्रिश्चियंस मतलब ब्रिटिशर है बेसिकली क्रिश्चियंस और देखिए मैं हर रिलीजन को प्रोवोक नहीं करना चाह रहा हूँ लेकिन जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज आती है जो ग्लोबल सी बॉय शुरू हुआ था उसके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे तो वहाँ आपको मिलता है थ्री जी ये मैं नहीं कह रहा हूं ये एनसीआरटी में लिखा है गॉड ग्लोरी एंड गोल्ड यह एनसीआरटी के चैप्टर जो आपका एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया वगैरह दिया हुआ है जिसमें पहली बार प्रिंस हैंनरी वन की बात की गई हैनरी वन द नेविगेटर जिसने पूरी दुनिया को एक ट्रीटी ऑफ एक ट्रीटी हुई थी कभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां कर दूंगा मुझे जा एक्जेक्टली नाम नहीं याद आ रहा है तो उसमें पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया कहा गया कि जो ईस्टवर्ड साइड का हिस्सा है वहां पे स्पेन वगैरह जाएगा इस साइड का हिस्सा वहां पुर्तुगल जाएगा फिर बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी इन्वाल्व हो जाती है एक्सप्लोर करने के लिए तो ये जो एज ऑफ बॉयज थी यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे चाहे वो स्पेन हो चाहे पुर्तुगल हो चाहे आपका फ्रांस हो चाहे आपका ब्रिटेन हो इन्होंने सब अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ये अपनी जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती थी छोटे छोटे कॉन्टिनेंट होते थे छोटे छोटे आइलैंड्स होते थे इनके लिए गाली के रूप में एक शब्द प्रयोग करते थे इंडिक आई एन डी आई सी अपने से इंफीरियर किसी कम्युनिटी को देखते थे तो उनको कहते थे दीज आर द इंडिक पीपल जब ये अमेरिका पहुंचे तो वहां पे अजीब टाइप की ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी इसलिए न्यूज में क्योंकि भी मार्टिन स्कॉर्सी की भी मूवी आई थी बहुत अच्छी लिनाडो कैपी को इन्होंने साइन किया था उसमें इसी इंडिक कम्युनिटी के ऊपर बनी हुई है कि कैसे यूरोपियंस है उनका खात्मा के के समथिंग लाइक दैट तो तो उनको देख बोलते हैं आर द रेड इंडियंस इंडिया जो वर्ड था वो ज्योग्राफी के कॉनोटेशन में नहीं यूज होता था इट वॉज यूज इंडियन वर्ड है इंडिया ग्रीको रोमन से आया था नो डाउट ठीक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेकिन ब्रिटिशर थे इन्होंने जब कॉलोनाइजेशन शुरू किया था तो जिसका भी कॉलोनाइजेशन करते थे उनको गाली के रूप में ये वर्ड यूज कर देते थे यू आर द रेड इंडियंस यू आर द इंडिक पीपल जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज करती है तो उनका रुतबा बढ़ता है शोहरत बढ़ती है ग्लोरी होती है ठीक है गोल्ड का मतलब क्या है जब कॉमर्शियल ट्रेड वगैरह होगा तो ऑब्वियस बात है गोल्ड भी जनरेट होगा पैसा गोल्ड मतलब होता है जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को सिग्निफाई करता है और गॉड जब ये यूरोपियन कंपनीज आती थी तो अपने साथ में कुछ मिशनरीज को लेकर आती थी कहती थी वहां की सभ्यता देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है आपको किसी सिविलाइजेशन या सभ्यता को खत्म करना है तो आप उसके कल्चर पे अटैक करिए जस्ट इरोड एंड वाइप आउट द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन अपने आप खत्म हो जाएगा एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको देता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं दे वर बेसिकली द ट्राइबल कम्युनिटीज हर ट्राइबल गॉड

और जितने गले काटते थे उतने टैटू अपने शरीर पर गुजवाते थे इसलिए अभी भी जो नागा टैटू कल्चर है बहुत फेमस है दिल्ली में भी आप चले जाएंगे तो यहाँ पे जो नागा टैटूज है उनको बहुत वो माना जाता है मतलब बॉडी पे वॉरियर्स का प्रतीक होते हैं वो ठीक है तो जब क्रिश्चियंस वहां पे पहुंचे क्रिश्चियन मिशनरीज वहां पे पहुंची सॉरी जब ब्रिटिशर वहां पे पहुंचे पहले तो उनको क्या था बर्मा जाना था आज का जो म्यांमार है उस समय का बर्मा था तो उनको बर्मा साइड साउथ एशियन टेरिटरीज पे कॉलोनाइजेशन करना था तो बीच में रास्ता पड़ रहा था आपका नागालैंड और जितने भी ये नागा कम्युनिटी रहते थे और ये लोग जो वारियर थे तो ब्रिटिश ने इनके साथ में लड़ाई करने की पहले कोशिश की जब इनसे लड़ते थे तो वो लोग तो हेड हंटर थे आते थे इनके गले काट ले आते थे और जाके टैटू बनवा लेते थे, थे अपने बरगद के पेड़ पर पे टांग देते थे ले आके पेड़ तो इन्होंने कहा कि यार इनको डिफीट करना बड़ा मुश्किल है तो वारियर लोग हैं बिल्कुल उनका अपना ट्राइबल कल्चर है तो अगर आप किसी को शस्त्र से नहीं पराजित कर सकते तो उसे शास्त्र से पराजित कर दीजिए उनके कल्चर को ही कर दीजिए तो इन्होंने क्या किया खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर वहाँ पे क्रिस्टन मिशनरीज

भगवान जाने कहां पे ऐसा लिखा हुआ नहीं anyway, वे उनका ऐसा कहना था क्योंकि दे वर ट्राइंग सिंपली टू वाइप आउट ऑफ द द कल्चरल एलिमेंट ऑफ द इंडियन सब और द भारत वाला सब तो उन्होंने इसका नाम ब्रिज रख दिया अब हम भी मूर्खों की तरह तो ब्रिटिशर कहते थे, तो थे। तो मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया से यूरोपियन मार्केट को कनेक्ट करते हुए स्टेट ऑफ से घूमते हुए जहाज आ रहा है तो वो पूरा श्रीलंका को क्रॉस करते हुए इधर से निकलता है या इमेजिन कर लीजिए इंडिया के जो ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं उस पोर्ट से वेस्टर्न पोर्ट्स तक हमें कुछ सामान पहुंचवाना है ठीक है तो हमको पूरा श्रीलंका क्रॉस करके जाना पड़ता है तो उसमें जहाजों में बहुत सारा फ्यूल बर्बाद होता है बहुत सारी चीजें खत्म होती हैं और टाइम भी बर्बाद होता है तो वाई नॉट टू डू वन थिंग ये जो पाल की स्टेट का रीजन है इसको हम थोड़ा बहुत देखिए आपको लग रहा है ऊपर समुद्र है लेकिन जब शिप उसमें जाता था तो अटक जाता था क्योंकि अंदर पूरे रॉकी स्ट्रक्चर थे तो जो कल्चर से जुड़े हुए लोग थे उनकी मान्यता थी राम सेतु है इसको छूना नहीं चाहिए ठीक है राम जी ने अपना पुल बनाया था और जब वो विभीषण को सत्ता सौंप के वापस लौटते हैं अयोध्या तो उन्होंने उस पुल को इसलिए तोड़ दिया था कि आगे चल के कोई विभूषण के राज्य तक ना पहुंचे और श्रीलंका जो है वो आइसोलेटेड रूप में रहे

एक जगह पड़ती है जैतपुर तो वहां फ्रेंच कंपनी का रेवा है उसके कोलेब्रेशन से एक जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा था और वहाँ मैंग्रोव्स पाए जाते थे तो उसको कटा के वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे थे फिर इनवायरमेंटलिस्ट ने कुछ मूवमेंट वगैरह शुरू की उस प्रोजेक्ट को उनको अबैंडन करना पड़ गया ठीक है इसीलिए यूपीएससी ने दो में क्वेश्चन पूछा था कि सुनामीज को रोकने में सुनामी आपको पता है समुद्र में उठने वाली कुछ लहरें होती हैं जो जब कोष तक आती है उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ठीक है तो अगर आपको सुनामीज को काउंटर करना है तो आप वहां पर दीवार नहीं खड़ी कर सकते लेकिन प्रकृति ने अपने आप को सस्टेन करने के लिए ऑलरेडी कुछ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर रखा है ठीक है जैसे ओशन के अंदर रिजे होती हैं तो रिजेस भी सुनामी के इंपैक्ट को कम करती हैं अगर किसी ओशन में बहुत ही डीप वाटर या समथिंग लाइक अचानक से शैलो होना शुरू हो जाता है तो जब ओशनिक वेव आएंगी तो सीधे हिट करेंगी वो सुनामी बहुत इंटेंस होगी लेकिन अगर मान लीजिए कोस्ट के पास बहुत सारे उस टाइप के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये रीजन पड़ता है उड़ीसा में चिलिका लेक का रीजन है ठीक है या आप इधर आ जाइए श्री हरकोटा लॉन्चिंग स्टेशन है उसके पास में कौन सा लेक पड़ता है पुलिकट लेक है तो ये इस टाइप के सैंड बार्स बनाता है हुक होता है हुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके बीच में पानी होगा लैंड मार्स अंदर होगा तो इस सुनामी के इंपैक्ट को ऐसे कोई भी वाटर के अंदर कोई लैंड बॉडी वो इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देगी हमेशा तो अब आप इमेजिन कर लीजिए कि ये जो रीजन है आपका यह सुनामी लिए बहुत वेलरेबल है ठीक आपको पता है 2004 की जो सुनामी थी समवेयर जावा आइलैंड के आसपास क्रिएट हुई थी उसका एपी सेंटर था वहां पे वो कितनी इंपैक्टफुल थी पूरे सदन पेनिसुला को उसने इंपैक्ट कर दिया था लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पार्क स्ट्रेट रीजन एंड दिस लेक लेक एंड एवरीथिंग इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है अब रॉकी स्ट्रक्चर है ना अंदर अब इमेजिन कर लो आप प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम यह कह रहा था इसको काट के खत्म कर दो ताकि जहाज बहुत आसानी से निकल जाए यहाँ से भैया तुम वो तो खत्म कर दोगे लेकिन इसकी वजह से जब सुनामी आएगा तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी तो जो नेचुरल बैरियर्स वहाँ ऑलरेडी बने उनमें क्यों छेड़खानी कर रहे हो ठीक है तो आपको समझा है इन्वॉर्मेंट एक्लॉजी परस्पेक्टिव सेतु समुद्र इंपॉर्टेंट क्यों था इसलिए सेतु समुद्र को अबेंडेन कर दिया गया था ठीक है और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस है लोगों की सेंटीमेंट हट हो जाएंगे वो भी बात अपनी जगह ठीक है फिर से हम यहाँ पे आते हैं मेरिन इको सिस्टम तो मेरीन इको सिस्टम आप समझिए मैंने उसके बारे में बहुत आपको दे दी है अब हम आगे चलते हैं कि वहाँ किस टाइप के अडेप्शन पाए जाते हैं जो जीव जंतु या स्पीसीज वहाँ पे रहते हैं ठीक है तो आप देखिए वहां पे लाइट वेट एनिमल्स रहते हैं एंड एंड प्लांट्स फ्लोट इन द द वाटर वाटर मूव विद करेंट्स क्योंकि बहुत भारी हैवी अगर जानवर या वनस्पति पाएंगे तो वो समुद्र के नीचे बेंथिक जोन में चले जाएंगे और वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो मर जाएंगे उनकी नशे फट जाएंगी ठीक है इसीलिए लाइट वेट एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो ऊपर शेलो वाटर में तैरते रहे एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द ओशन आर टॉलरेंट टू द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट आपको पता है जब वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो आपको पता ही होगा ना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन uh, दो तो प्रोसेस होती है साइंस में फिजिक्स में ठीक है तो ऑस्मोसिस क्या होती है जोंक होता है जोंक जोंक के ऊपर नमक डालो तो क्या होगा जोंक मर जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी का सारा पानी बाहर आ जाएगा तो सेम वे में अगर ओशन में सलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा है सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है और कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल वहां पे है तो उसके अंदर का सारा पानी खून वगैरह सब के बाहर आ जाएगा तो बाहर की डेंसिटी बहुत ज्यादा इसी है इसीलिए जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं दे आर जो वहां पे रहते हैं दे आर टॉलरेंट टू दिस हाई कंटेंट ऑफ दिस सोल्ट एंड एवरीथिंग स्विमिंग एनिमल्स दे आर स्टीमलाइन बॉडी स्टीमलाइन बॉडी होती है ताकि पानी ओशनकरण में आराम से तैर सके ठीक है लेटरलीस्ड डीप सी फॉर्म्स शो बायोल्यूमिनेशन दे एमिट लाइट और ये मुझे लगता है नेचुरल रीजन भी होते हैं ताकि विजिबिलिटी वगैरह की चीजें वहां पर ठीक रहे क्लियरिटी रहे आर डिपेंडेंट ऑन देर फूड इन द अपर सी जोन खाने पीने के लिए ऊपर पे डिपेंडेंट होते रीजन क्या है आपको क्या लगता है क्योंकि देखिए सनलाइट जब नीचे पेनिट्रेट नहीं होगी तो वहां फोटोसिंथिस नहीं होगा तो वहां तो कोई वेजिटेशन पनप ही नहीं सकता है बैंथिक जोन में बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होता है तो कम से कम जो ओश जहाँ पे सनलाइट एक लेवल तक पेनीट्रेट कर सकती है ना सनलाइट की पेनीट्रेशन यहीं तक तो होगी डीप वाटर में थोड़ी ना होगी तो जितना भी वेजिटेशन है वो समवेयर यहीं पे होता है एक आपके लिए एक होमवर्क के टाइप पे है मतलब बिकॉज वी आर शटिंग डाउन दिस टॉपिक अब ये खत्म ही हो रहा है तो नॉर्थ एटलांटिक ओशन में एक रीजन पाया जाता है जिसको आप सरगासु सी बोलते हो ठीक है सरगासो रीजन और यहाँ पे फिशिंग बहुत प्रोमिनेंट है उसका रीजन ये है कि नीचे की तरफ से गल्फ स्ट्रीम करंट जो कि हॉट करंट होते हैं और ऊपर की तरफ से लेब्राडोर करंट वगैरह जो कोल्ड करंट हुए कहीं पर भी हॉट करंट और कोल्ड वाटर करंट जब आके मिलेगा इट इज वेरी गुड फॉर द वेजिटेशन देयर तो वहां पे ओशनिक सरफेस पे बहुत अच्छा वेजिटेशन होता है उस पूरे रीजन को सरगासो सी बोलते हैं तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन है सरगासो सी इज लोकेटेड इन विच ओशन तो आंसर आपका होगा नॉर्थ एटलांटिक ओशन और द ईस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ठीक है इसकी कोई डिफाइंड लेटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन नहीं है यह सिर्फ एक वाटर बॉडी नॉर्थ एटलांटिक का ही एक पार्ट है एक रीजन जिसको आप सरगासो सी बोलते हो ठीक है और वहां जो वेजिटेशन पाई जाती है उसका नाम क्या है आप सर्च करिए ठीक है तो हमने देख लिया कि बाकी बायोम सा डिवाइड तो थ्री टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट टाइप क्लाइमेट के तौर पे इनके तीन डिवीजन होते हैं हमने देख वेजिटेशन वगैरह होते हैं तुंद्रा बायोम टेपरेट एंड द ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मतलब सनलाइट अभी बताया था वगैरह होता है जो ट्रॉपिकल रीजन ठीक है उसके ऊपर वाला टेम्परेट और जो ऊपर का है वो सब आपको बता ही चुका हूँ आई थिंक दैट वॉज ऑल अबाउट द बायोम्स ये सब बता चुका हूँ टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होती हैं ठीक है सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक सो बिकॉज इट इज अंदी वन सो विद क्लोजिंग अवर बायो एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मूव टू दायोस्फिर एज वे एज द बायोडाइवर्सिटी एंड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अब हम यहाँ से इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी की सेकंड स्टेज पे चले जाएंगे अभी तक हमने डिटेल में कंसेप्ट बात कर ली नाव वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रिजर्वेशन की प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण है तो उसके संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ठीक है जो कि आपके यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड टॉपिक है पहला पार्ट तो कंसेप्चुअल है जो लमसम खत्म हो चुका है बस इसमें थोड़ा सा बायोस्फियर एंड बायोडावर्सिटी की बात करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच एंड विल कंटिन्यू इन सब सेशन